नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं PPA 24 न्यूज़। दोस्तों आज मैं कानपुर में हूं और ये CTI चौराहे की नहर है, कितनी गंदी है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, कानपुर स्मार्ट सिटी की रैंक में है लेकिन ये स्मार्ट सिटी ऐसे ही बनेगा, इस तरह से बनेगा मैं नहीं समझता। ये देखिए, दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से गंदगी आ रही है और किस तरह से सफाई हो रही है। दोस्तों प्रमोद पाल जी हैं, ये जूनियर इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में, सारी टेक केयर यही कर रहे हैं, देख रेख यही कर रहे हैं इस नहर की। आइए इनसे जानते हैं कि क्या रीज़न है यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होने का। सर बताइए। ये कानपुर के मध्य शहर से निकलने वाला रजवा है जिसकी सिंचाई कानपुर नगर के देहात ससौल एरिया में पानी इसका जाता है और इससे दो रजवा नरौरा और सुबौली नरवल तक जाता पानी इसका है। तो अभी इसकी सफाई हुई थी, विगत माह में सफाई हुई थी, तो शहर में क्या बहुत ज़्यादा कूड़ा आता है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि चलो प्रयोग के तौर पर कुछ जाला लगा के कूड़ा रोका जाए, देखते प्रयोग सफल होता है कि नहीं होता है। तो एक जाल लगाया गया, 4x4 इंची मतलब 0.1 mm की सरिया, चौको सरिया लगा के। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जनता का भी तो सहयोग चाहिए ना सर, जनता ही कूड़ा फेंकती है, तो क्या प्रावधान करेंगे आप और आपके जनता के लिए भी संदेश कुछ देना चाहेंगे कि यहाँ कूड़ा ना फेंके? जनता के सहयोग के लिए भी मेहतानी जी ने 2 दिन पहले नहर चलवाई थी, तो उसमें हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगा जागरूक करने के लिए अभियान चलाया था, बैनर लेके कूड़ा नहर में मत डालिए आप लोग, तो अभियान चलाया था, तो उसके प्रयास में और भी प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए अभी एक प्रोजेक्ट भी बनाया गया था इस पर, लेकिन अभी शासन से पैसा मिल नहीं पाया उसमें, तो इसमें नहर के दोनों तरफ जाल 7 फुट ऊंचा जाल लगाने का प्रोजेक्ट है, इससे नहर में कूड़ा ना फेंका जाए। मतलब कानपुर स्मार्ट सिटी की रैंक में आ रहा है? जी बिल्कुल, कानपुर स्मार्ट सिटी की रैंक में आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ही गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें, आपके आपकी राय में क्या है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा ला रहे हैं आप? प्रोजेक्ट 18 करोड़ रुपए का बना हुआ है जिसमें नहर की दोनों, जो कि नहर में इसमें नाले भी डाल देते हैं पब्लिक है, और उससे क्या साइडों को पक्का करके हर जगह हर एक पुल के ऊपर एक घाट और रैंप दिया गया है, जाल भी लगाया गया, वृक्षारोपण भी करने का प्रोजेक्ट है। अब हमारे नए एक्शन साहब आए हैं, असीन साहब, वो प्रयासरत हैं इसके पैसा दिलवाया जाए तो ये नहर का सुधार हो सके, कुछ होगा जी, होगा। ओके, थैंक यू सर। जनता से पूछते हैं कि ये गंदा पानी और ये कचरा कहाँ से आ रहा है, बताइए भैया कहाँ से आ रहा है कचरा? ये संजय नगर, महादेव नगर, दबौली, हाँ, और वहीं से सब जनता ने नहर में कूड़ा फेंकती है। जनता फेंकती है नहर में? जनता फेंकती है। जनता को सचेत करने, अवेयरनेस करने के लिए कुछ प्रावधान है कि इस यहाँ पर कूड़ा फेंको या ये करो, कुछ नियम कानून है यहाँ पर? वैसे कूड़ादान रखा हुआ है लेकिन लोग कूड़ादान में नहीं डालते हैं, हाँ, और नहर में कूड़ा सब पब्लिकों ने नहर में कूड़ा फेंकती है। अच्छा, जनता से कहा जाएगा कि इस जगह पर कूड़ा डालो तो नहर में नहीं डालेंगी, इनको जनता को भी तकलीफ हो रही है ना भैया? जनता ने लड़ाई करने पर उतारू हो जाएगी, लड़ाई करने पर उतारू हो जाएगी, मना करके देखिए। अच्छा, क्यों भाई आप लोग क्या बोल रहे हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार होती जनता क्या है? ये तो उनके भले का ही काम है, यहाँ बदबू आएगी, बीमारी फैलेंगी, ये भी तो देखिए आप लोग। तो जनता को किस तरह से आप लोग कन्विंस करेंगे, किस तरह से उनको बताएंगे कि यहाँ पर कूड़ा मत डालो, यहाँ पर बीमारी हो जाएंगी अगर सब जगह कूड़ा जमा हो जाएगा? नहीं, कूड़ा डालने की जगह ही नहीं है तो जनता चोरी छिपे यहीं डाल जाती है आके। अच्छा, कूड़ा डालने की जगह नहीं है? जगह नहीं है, जगह तो बहुत है, देखिए हर जगह तो कूड़ा पड़ा हुआ है। सड़क पे कूड़ा फेंक दोगे तो मोहल्ले वाले नहीं इतराज करेंगे, अब ये सफाई कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी हम डालें तो 4 आदमी लड़ने लगेंगे। अच्छा, कि सड़क पे कूड़ा फैला रहा हो, हमारे दरवाजे डाल रहे ये सब। अच्छा, तो उसके लिए वो बना हुआ ना डंप, बना हुआ है? नहीं बना हुआ नहीं है, ना कोई कूड़ा उठाने आता है और ना ही कोई जो है। जनता बोल रही है कि यहाँ डंप नहीं है जहाँ पे हम कूड़ा डाल सके, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई रिक्शे वाला नहीं आता, कोई नहीं। उसके लिए नगर निगम को डंप बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि यहाँ पर कूड़ा डालिए जिससे कि नहर गंदी ना हो। कैमरामैन संतोष पांडे के साथ मैं राजेश मिश्रा, PPA 24 न्यूज़, कानपुर।